जी हाँ बताइए। सरकार से ये मांगे हैं जो हमारे पेपर कैंसिल किया जा रहा है वो कैंसिल ना करके उसमें जो चीटर्स हैं उनको पकड़ा जाए और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनका साथ दिया जाए। अच्छा कौन से पेपर? SSC CGL है, SSC CHSL का पेपर है। ये पेपर हम इस पेपर के लिए हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब जाके इस पे कैंसिल की नौबत आ गई है। टायर 1 टायर 2 टायर 3। अच्छा आप बताइए। हाँ सर, हमने दो पिछले साल CGL के लिए फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया 2 साल बाद। वैसे ही तैयारी करने में 2 से 3 साल लगते हैं CGL के लिए, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये। और 2 साल से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, 3 पेपर दे चुके हैं, 3 से 4 पेपर दे चुके हैं और अब रिजल्ट का टाइम था। और सरकार बोल रही है, CBI बोल रही है कि हम चीटर्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए पूरा पेपर कैंसिल किया जाएगा और शुरू से सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये हमारे 2 साल फिर से बर्बाद होने वाले हैं आगे वाले। मांग यही है कि हमने 500 दिन मेहनत की एग्ज़ाम की तैयारी की CGL और CHSL की, उसके बाद गवर्नमेंट उस एग्ज़ाम में काफ़ी धांधली हुई, उसके बाद ये केस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगाने पर आ गई है। जब हम इतना मेहनत करें और 500 दिन मेहनत करने के बाद स्टे लगे तो हमें मेहनत करने का फ़ायदा कहाँ मिले? हम सरकार से रखना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे, जो भी बच्चे जेन्युइन तरीके से पहुँचे हैं उनकी मेहनत को सफल बनाए और जो इस पेपर को एक कैंसिल होने वाला है उसे हटाएं, जो चीटर से इस एग्जाम में उन्हें पकड़ा जाए ताकि आगे ऐसी कोई नौबत ना आए। हमें परेशान मत करो।